हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल टॉन्डक है। मैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। देखिए, NVS के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। जितने भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, बेसिकली टीचिंग की, उन सब के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि NVS, जो हमारा नवोदय विद्यालय समिति है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे नोएडा में, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में, यूपी में है, उनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, हम जान लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 की किस किस पोस्ट के ऊपर है। तो देखिए, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल देन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन जवाहर नवोदय विद्यालय एंड असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स इन NVS हेडक्वार्टर ऑब्लिक रीजनल ऑफिसेस। तो देखिए, पहले हम NVS के बारे में जान लेते हैं। NVS मेंशन इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, NVS जो है हमारा एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं, भोपाल में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग, एंड मोर देन 650 जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया में है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। देखिए, JNV को एजुकेशनल फुली रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल्स एंड लोकेटेड मेनली रूरल एरिया। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए इनवाइट की गई एप्लीकेशन। तो NVS इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, PGTs, असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर द ईयर 2019। तो देखिए, इन द व्यू ऑफ द पॉलिसी दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड आर गर्ल्स, तो देखिए 1/3 जो हमारे स्टूडेंट एडमिट किए जाएंगे वो गर्ल्स होनी चाहिए। एफर्ट्स विल बी मेड टू पोस्ट मेल एंड फीमेल टीचर इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन JNVs। तो देखिए, चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्या है हमारी वैकेंसीज का। तो देखिए, प्रिंसिपल जो कि ग्रुप ए में आता है, उसकी जर्नल की वैकेंसीज 12 हैं, OBC की 7 है, SC की 4 है, ST की 2 है, तो टोटल वैकेंसीज हमारी बनती है दैट इज 25। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो कि ग्रुप ए में आता है, जर्नल 1, OBC 1, SC 1, ST 0, तो टोटल हमारी बन गई 3। देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे हम जो कि असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल है हमारा, तो उसके अंदर वैकेंसी जर्नल की 2 है, OBC की 0, SC की 0, तो 2 ही वैकेंसी है जो कि जर्नल कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो उसमें भी 3 वैकेंसी हैं, 2 जर्नल की और 1 OBC की। चलिए अब हम PGT की बात करते हैं जो कि हमारा ग्रुप बी में आता है, तो बायो की टीचर चाहिए, जर्नल में 9 है, तो टोटल हमारी 16 है। केमिस्ट्री की टोटल वैकेंसी 25, कॉमर्स की 21, इकोनॉमिक्स की 37, ज्योग्राफी की 25, हिंदी की 11, हिस्ट्री की 21, मैथ्स की 17, फिजिक्स की 34 और IT की 11। तो देखिए, जो टोटल वैकेंसी निकल के आती है दैट इज 218। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए प्रिंसिपल के लिए। तो देखिए, प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। एंड नेक्स्ट देखिए, BEd इज़ कंपल्सरी एंड देन एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात की गई है। देखिए, एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए, पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर वाइस प्रिंसिपल की उनके पास ऑलरेडी पोस्ट हो, एंड मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एंड 7 ईयर्स एक्सपीरियंस एज PGT एंड वाइस प्रिंसिपल। एंड देन देखिए, पर्सन हैविंग 15 ईयर्स कम्बाइंड रेगुलर सर्विस एज PGT लेवल 8 पे एंड TGT लेवल 7 पे मैट्रिक्स। तो देखिए, एंड जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए HM का, मतलब हाउस मास्टर का, एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल CBSE अफिलेटेड गवर्नमेंट
एफिलिएटेड स्कूल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज, जहाँ पे उन्हें पोस्ट किया जाएगा। एंड देन देखिए हमारा जो नेक्स्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोजेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंशियल मैटर इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट में 3 पोस्ट थी। इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की और कंप्यूटर की नॉलेज, एंड दैट इज़ डिज़ायरेबल जो है वो है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर्स। एंड नेक्स्ट देखिए हमारी जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की एंड स्किल्स इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। एंड देखिए जो डिज़ायरेबल है दैट इज़ कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने आने चाहिए। चलिए अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ पीजीटी टीचर्स की, तो बायो की 5 है, केमिस्ट्री की पोस्ट कोड देखिए दिया गया है हमारे को यहाँ पे इनके आगे, तो अब इनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और मास्टर डिग्री में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए पीजीटी जो हिंदी है मास्टर डिग्री हिंदी होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स ने फिजिक्स की अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री हो मास्टर डिग्री चाहिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की अप्लाइड इकोनॉमिक्स की या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री, हिस्ट्री को मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स हिस्ट्री की एंड पीजीटी ज्योग्राफी को पीजीटी ज्योग्राफी की मास्टर डिग्री चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको कि पीजीटी कॉमर्स अगर हम बात करें तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। नेक्स्ट देखिए पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी न्यूक्लियर मोलिक्यूलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडी बॉटनॉमी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीजीटी आईटी की बात करते हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए उनके, बीई या फिर बीटेक किया हो उन्होंने कंप्यूटर साइंस या आईटी में, बीई या बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या फिर एमसीए भी किया हो, बीसीए किया हो कंप्यूटर साइंस में, बीसीए इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो देखिए दैट्स ऑल। और अगर हम इस पर बात करें डिज़ायरेबल बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। तो देखिए ये थे हमारे पूरे के पूरे कि हमें किस किस की वैकेंसी निकली हुई है। मैंने आगे आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, सिटी का कोड क्या होगा, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो के अंदर सारा का सारा इंक्लूड करके दे दिया है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट की किस किस की तैयारी करनी है। देखिए अगर हम प्रिंसिपल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको रीजनिंग एबिलिटी आना चाहिए, जर्नल अवेयरनेस आना चाहिए, 25 मार्क्स का आएंगे बोथ, देन लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी 15 मार्क्स ईच हो गए, 30 मार्क्स के ही हो गए, देन एकेडमिक से रिलेटेड 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें पार्ट 5 ही तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो भी 50, तो टोटल 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा प्रिंसिपल पोस्ट का। अब देखिए हम बात करें अगर असिस्टेंट कमिश्नर की तो 180 मार्क्स का होगा, इसमें भी रीजनिंग आएगी और जी आएगी 25-25 मार्क्स की, देन इंग्लिश एंड हिंदी 30 मार्क्स की, 25 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 75 मार्क्स का आपका बेसिक आएगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट देखिए अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश हिंदी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो ये होगा हमारा 130 मार्क्स का। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें रीजनिंग जर्नल अवेयरनेस लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी और बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन ये होगा आपका 130 मार्क्स का। तो देखिए ये बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी। अब मैं आपको मेन बात और बता देती हूँ, रजिस्ट्रेशन ओपन डेट 15 जनवरी है, क्लोज डेट 14 फरवरी है, फीस डिपॉजिट ओपन भी 15 जनवरी 2019 है एंड फीस क्लोजर 15 फरवरी 2000
19 है और एडमिट कार्ड आपके टेंटेटिवली डेट दी गई है 10 मार्च से, एंड जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट है वो भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपको पता चल जाएगी। सो दीज यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी इंक्लूड किए गए हैं। आई होप ये आप सबको पसंद आएगा, एंड इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी बेनिफिट उठा सकें और वे उन्हें भी नॉलेज हो जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।